है, आज जो डिश मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो है टॉपिंग्स। टॉपिंग्स छोटे छोटे सामान को हम इस्तेमाल करके, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ सामान इस्तेमाल करके हम बहुत सारी कलरफुल चीज़ें बना सकते हैं। आइए देखते हैं टॉपिंग्स कैसे बनाएंगे। पहले बेस के लिए हम बिस्किट्स लेंगे। इन बिस्किट्स को अरेंज कर लीजिए। देखिए मैंने इक्वल उसमें अरेंज कर रही हूँ। अब सबसे पहले मैं इस पर चीज का एक पीस रखती हूँ और चीज का पीस रखने के बाद मैं इस पे डालूंगी थोड़ी सी सॉस। इसको हम अलग अलग सॉसेस का भी बना सकते हैं। हरी चटनी ना लेके हम ये दूसरी सॉस ले लेते हैं, नारियल की चटनी ले लेते हैं, हम और तरीके की डिफरेंट सॉसेस हैं वो ले लेते हैं। एक पे हम टोमेटो सॉस यूज़ कर लेते हैं और एक पे हम टोमेटो सॉस के साथ हरी चटनी यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट ले लेते हैं। और इसके बाद हम इस पे डाल देंगे कोई भी किसी भी तरीके की नमकीन जिसका फ्लेवर हमें चाहिए। और इसके ऊपर हम एक मटर का दाना सजा देते हैं। इसके अलावा इसको हम येलो से डेकोरेट कर देते हैं और एक हरा धनिया का पत्ती हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि और खूबसूरत लगे। इसके साथ जस्टिफाई करते हैं। इसके साथ हमें क्या करना है, कोई थोड़ी सी भुजिया लेके इसके ऊपर भी ऐड कर देंगे। साथ में हम इसके ऊपर एक ड्रॉप टमाटो सॉस की डाल के केले के चिप्स के साथ हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। साथ में हम हरी धनिए की पत्ती भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इट लुक मोर अट्रैक्टिव। इसके अलावा अगर हम कुछ और नया करना चाहें, अगेन हमारी वही सारी सॉसेस, इसको इसके ऊपर रखा, लेयर्स वाला टॉपिंग बना रही हूँ मैं। इसके बाद इसमें आप फिर से गार्निशिंग कर दीजिए। आप पूरा सैंडविच वाला बनाना चाहें, इसका पूरा लेयर आप एक लगा दीजिए, प्रॉपर लेयरिंग के बाद दूसरा बिस्किट इसके ऊपर एडजस्ट करके, इसके ऊपर सॉस ऐड करके इसके ऊपर नमकीन से हल्का सा कुछ भी डिजाइन बना दीजिए और हरा धनिया से गार्निश कर दीजिए इसको। इसमें मैंने केक लिया है, केक के मैंने छोटे छोटे पीसेस करे हैं। इन पीसेस के ऊपर मार्केट में इस तरीके की चीजें आजकल बहुत अवेलेबल है। इसको आप क्रश करेंगे, ये देखिए इजीली ये क्रश हो रहा है। क्रश होने के बाद आराम से आप इसको क्रश करके अपने टॉपिंग पर रख सकते हैं। उससे पहले आप बेस बना लीजिए ताकि आपका जो भी आइटम है वो उसके ऊपर आसानी से सेटल हो। कोई सा भी सॉस जो आप डालना चाहें, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगे, इस पर डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए, इसको ऊपर से। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप बच्चों को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, नथिंग पुट अ चॉकलेट ऑन इट एज इट इज।
इसके अलावा अगर आप लेयर्स बनाना चाहते हैं तो आप लेयर्स भी बना सकते हैं सैंडविच। तो ये लीजिए, ये आपके मल्टी कलर्ड, मल्टी फ्लेवर्ड और घर की बची हुई चीज़ों से, जिन्हें हम ध्यान में भी नहीं रखते, हमारे घर में आराम से अवेलेबल होती हैं, उन सभी चीज़ों से मैंने सभी एज के लोगों के लिए आपके सामने एक डिश तैयार की है। तो एंजॉय योर होली एंड हैप्पी होली वंस अगेन।